एक घंटा बहस चली है, असी इन्हां दी आर्गूमेंट्स नूं रिबट कीता है। हुण इह जो एफ आई आर इन्हां ने की और तो बाहर तो जा नहीं सकते, अठ महीने च कुछ नहीं लभा, एक दिन च की लभ लैणा, एक दिन का जी परसों पेश करना। मेरा मैं सिर्फ एक छोटी जी गल कहंगा, आई एम ए लॉयर, आई हैव टू आर्ग्यू। बाकी जेड़ा तुसी पॉलिटिकल वेंडेटा कह रहे हो, मैं इन्नी गल कहंगा पॉलिटिकल वेंडेटा विद स्टॉर्म। कोई होर व्यक्ति नूं केवल कांग्रेस पार्टी नूं निशाना बनाया जा रहा है, केवल कांग्रेस पार्टी नूं, कोई होर किसे पार्टी दे किसे व्यक्ति नूं। बड़ियां वड्डियां वड्डियां गल्लां, मैं किसे होर व्यक्ति दा नाम नहीं लेना चाहुंदा, लेकिन बहुत सारिया वड्डिया वड्डिया गल्लां है, कदे बीजेपी के लोगों के खिलाफ करते, कदे अकाली दल के खिलाफ करते हैं, लेकिन टारगेट एक ही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इन्हें पता है कारपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, कारपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं। हुण इस करके इन्होंने जिहड़े कारपोरेशन के ये वड्डे दिग्गज के लीडर ने, इन्हों डर है भी कारपोरेशन असी चुनाव ना हार जाइए, इस करके अज साडे लीडर डिप्टी मुख्यमंत्री जिहड़े 6 बार चुनाव जीते, एक इन्ना दाग नहीं आपके दामन ते लगन दिता। बड़ियां सरकारां आईयां, अकाली दल दीआं आईयां, होर भी आईयां, लेकिन अचनचेत लोग सोनी साहब ते सोनी साहब के परिवार बारे जानते कि वह खानदान किहो जिहा है, कि उन्होंने किन्नियां लुट्टां कीतियां, ये जनता जानती है और लोग जानते। एक भी दाग सोनी साहब दे नहीं है, केवल तो केवल कारपोरेशन जितन वास्ते ते जान बुझ के क्रिकेटर एसोसीएशन करके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ये बदलाखोरी की नीति नाल कार्रवाई कर रहे हर महीने, और सानू किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कचहरिया दे विच जाना सानू कोई डर नहीं सता रहा, लेकिन एक माड़े रीति रिवाज है जिन्होंने पंजाब का आने वेले आने वाले समय च नुकसान करना है। मुद्दे तो सीगे नशे का मुद्दा, मुद्दा तो सीगा कि किसान सुसाइड अज भी कर रहा है, मुद्दा तो सीगा कि अज भी टीचरां नूं कुट्टिया जा रहा, चुनिया पाड़ियां जा रही, पग्गां उन्हां दियां पाड़ दित्तियां जा रही हैं। अज भी मुद्दा तो सीगा कि MSP देण दा, अज भी मूंगी की दाल रुली पई है। मुद्दा तो सीगा मुआवजे का, मुद्दा तो सीगा लॉ एंड ऑर्डर का, कि दिन दिहाड़े लोगों नूं मारिया जा रहा है, लुट्टा खुट्टा। मुद्दा तो है हेल्थ का, कि अज भी थोड़े हस्पताल कबूतर बोलते हैं। मुद्दा तो है स्कूल ते कॉलेजेस का, मुद्दा तो है कि अज भी पंजाब का नौजवान, तुसी कहंदे सी मान साहब ही अंग्रेज आया करनगे, ये तमाम मुद्दे ने, आ मुद्दा नहीं है जो तुसी रोज जान बुझ के काम कर रहे हो। मौजूदा हालातों के विच वेखो जी, आ थोड़े सामने हुण सोनी साहब नूं पेश किया गया, एवें निबड़ांगे लड़ लड़ के, और मेरा ख्याल असी होर तरीके दे नाल, तकड़े तरीके दे नाल असी मजबूत होवांगे। असी डरांगे नहीं भगवंत मान दे इस तसद्दत तो, लड़ांगे तकड़े होके निकलांगे, और इन्हां केसां तो फड़न दे नाल, मैं लोगों नूं कहना चाहुंदा, लोगों नूं कहना चाहुंदा कि फड़न दे नाल किसे प्रकार दा कोई असी गुनाह नहीं कीता। कानून तुसी देखिया हुणे अक्सर ही लोग जेल कट के आउंदे ऐ ते बरी हो जांदे, लेकिन इस केस चो कुछ नहीं निकलना, और जिद्दे साडे इह केसिस रिजॉल्व होणगे, इन्हां सारे केसिस चो कांग्रेस पार्टी दे जिहड़े लीडर साहिबान ने वह बाए इज्जत बरी होके निकलणगे, और असी पार्टी सोनी साहब दे नाल, उन्हां दे परिवार दे नाल, पर अमृतसर दे लोगां दे नाल चटांग मां खड़ी, और असी इस तसद्दत तो डरदे नहीं। जिन्ना मर्जी जी है उन्ना तसद्दत कर लो, सानू थोड़े किसी गल की परवाह नहीं है, पर यह गल कोई चंगी नहीं है। मैं थोनू कहा भी अज वो तो कुछ भी कह देंगे, वो तो यह भी कहें कि असी कट्टर ईमानदार है, वो तो यह भी कहें सी असी वो जी मूँह वाली भैन बनाई है टेंकी से चढ़ी है केजरीवाल साहब के भगवंत मान जी ने, उन्होंने आंदा सर नौकरी देंगे जी अज भी नहीं मिली, वो तो बड़ा कुछ कहते सी, उन्हों के कहने कुछ नहीं होना। साढ़े नाल बैठ के आमने सामने विजिलेंस का कोई व्यक्ति बैठ के उन्होंने असी CA लियावे, लोगों की कचहरी ला लैन तो हिसाब किताब दे दें। यह थोड़ी है कि एक तरफा विजिलेंस ने कहता कि 8 करोड़ का वाधा, तुम कागज वेखे कोई, मैं क्या दसन, मैं कहना कि 1% का वाधा नहीं है,
असी इनकम टैक्स भरते हैं, असी जो कागज भरते उदो एफीडेविट दें, हर जायदाद घूम के बेनामी जायदाद बना दें, जिहड़ी जायदाद थोड़े ना ही नहीं है, जिहड़ी चीज़ थोड़े ना ही नहीं है, कह देंगे आह जमीन विच हिस्सा है, आह जमीन च भी हिस्सा, आह प्लॉट च भी हिस्सा है, इस होटल च भी हिस्सा है, ऐसा फिर थोड़ी च भी हिस्सा है, असी कहांगे आम आदमी पार्टी के नाम भी सब कुछ है। मेरे कहने का मतलब किसी ने कोई पेपर नहीं विखाया। मुख्यमंत्री साहब हर फ्रंट पर फेल हो गए हैं और जो कोई काम होर नहीं बचिया जरकार देखते हैं कि बहुत सारी बदनामी और बहुत सारे सवाल है जी वो सरकार ते लोगों ने चकने शुरू करते फिर सरकार आपदे वही मशहूरिया वाली सरकार मैं ना दिता फोकी मशहूरिया वाली सरकार जान बुझ के इस तरह का जोड़ा ड्रामा है हर रोज़ रचती है हर महीने एक ना एक जड़ा कांग्रेसी व्यक्ति होंगे और खिलाफ डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स का केस बना के उन्हें फड़ लिया जाता है। तुसी वेखोगे जो किसी फाइल च कुछ लभदा नहीं पहला तो हेल्थ दी फाइलों की सोनी साहब की गलत करते जो पता लगता कि फाइलिंग दे विच किते किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है तो फिर डीए वाले केसा दे वल तुर पैंदे हैं फिर डीए वाले केसा दे विच जिस प्रकार तत्थ जिहड़े आ तोड़ मरोड़ के दसे जाते हैं जिहड़ा प्रवक्ता जां कोई वक्ता जां स्पोक्सपर्सन विजिलेंस जां उन्हां दा अफसर आके कहिंदा जी 7 करोड़ दा वाधा जिहड़ा अफसर कह रहा है वह सच बोल रहा है वो जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उन्होंने इशारे से बोल रहे हैं इस करके 7 करोड़ का वाधा किसी एक रुपए का वाधा नहीं मेरा मतलब 3 लाख अर्जियां आई थोड़े को अज कचहरियां करप्शन खत्म हो गई है पंजाब की जनता जानती है कि करप्शन खत्म हुई है कि नहीं हुई आज थाने आज करप्शन खत्म हो गई है प्रचार करने हरियाणा च प्रचार कर रहे ने ते पंजाब डुब्या फिर रहा मुख्यमंत्री साहब नूं चाहीदा सी हुण तक दौरे कर दे कई लोगों की मौत हो गई ने लोगों के घर ढह गए ने लोगों दी फसलां चलिया गई स्पैशल गिरदावरी के तहत राहत कैंप लगने चाहिए है और राहत कैंपा के राही लोगों बनदियां बुनियादी सहूलत देनिया चाहिए और जिन्हों का जानी नुकसान हो गया ज घर ढह गए उन्होंने सरकार तुरंत मुआवजा देवे और मैं कांग्रेसी भरावों भी बेनती कर दें कि अज साड़ी ये तरीक सी साडा आपदे साथी दे नाल इत्थे खड़ना जिहड़ा वो साडा फर्ज बनता है और डट के खड़ांगे लेकिन जिस प्रकार हड़ां की हालत बनी हुई है पानी आया मैं सारे कांग्रेसी वर्करां नूं बेनती करदा कि घरां चों निकल गए असी लोगों की सेवा च जुड़िए लोगों की राहत भेजिए किसी भी व्यक्ति को भुखा ना सौं दिए और असी अज ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एसोसीएशन नहीं पाएगा तुसी इतिहास फरोल के वेख लो जिथे जिथे जेड़े प्रदेश के इस तरह वेंडेटा पॉलिटिक्स लोगों कोई इस गल का मुद्दा ही नहीं है भी तुसी किसी नूं फड़िया कि नहीं फड़िया विजिलेंस किनू फड़ रही है किनू नहीं फड़ रही है कोई मुद्दा नहीं है 50 लाख रुपया तुसी अंसारी वाला लै रहे हो या नहीं लै रहे मुद्दा की है मुद्दा यह है भी अज सेहत सहूलत दोबारे ठीक हुई अज कोई किसान फसली चक्कर तो झोने के कणक तो निकल रहा है किसान सुसाइड करनों बच गया नशा जे 5 मौत होंगे सी तो अज 10 हो रही हैं स्कूल बाहर लोग जा रहे ये मुद्दे है बुनियादी इन्हों मुद्दों तो डाइवर्ट किया जा रहा पेंशन वधाउणी सी कित्थे ओ पेंशन 1000 रुपया तुसी देना सी बुनियादी मुद्दे ने पंजाब के टीचरों नूं कुट्टिया जा रहा है देखो कांग्रेस पार्टी ने कदे बदलाखोरी की नीति दे नाल काम नहीं किया तुसी देखा होना मीडिया चैनल किस प्रकार मीडिया चैनल की धौन ते गोडा रखा हुआ सरकार ने सानू दबी आवाज़ के तमाम लोग आके दसते हैं भी साड़ी तौंटे गोडा रखे हुए सानू बचाओ कुछ लोग तो सरेंडर ही कर गए
कुछ लोगों के चैनल ही बंद करते। कदे कांग्रेस राज भी होया सी, तुसी साडियां खबरां सुनाउंदे सी रोज़, साडे उल्ट लाउंदे सी खबरां, कदे मीडिया कर्मचारी नूं। सानूं तां इह सरकार जिहड़ी नवीं सरकार है वल सिखा रही है कि किद्दां धोण फड़ के रखनी है, मरोड़नी है। किसी नूं वल सिखाया कदे कदे कम भी आउंदा। फिर मेरे कहण तों मतलब है कि इस गल च कुछ नहीं पिया, इहदे नाल पंजाब दी तरक्की रुकेगी। मेरी बेनती है कि असी तकड़े होकर पंजाब के विकास की, पंजाब के लोगों की, तो बुनियादी मुद्दों की गल करिए, ना कि यार रोजाना ड्रामा करिए विजिलेंस उन्होंने लै गई, विजिलेंस आ गया। सक्सैस रेट विजिलेंस का 1% है। जेडे जे विजिलेंस केस फड़ती है, 100 केस विजिलेंस फड़ती है, तो उसमें से 1% जेड़ा सक्सैस रेट है। कभी कितने क्योंकि खुर्द बुर्द करके केस बनाया जाता है, सारा नजायज केस बनाया जाता है। जो केजरीवाल साहब नूं सद्या तो CBI के बाहर धरना लाया, तुसीं आख्या CBI चोर है, CBI सानूं गलत पसा रही है। इत्थे तुसीं भी उही काम करदे हो, तुसीं कहिंदे ED गलत है, धक्का कर रही है ED, इत्थे विजिलेंस धक्का कर रही है। स्ट्रैटेजी असीं लड़ांगे, लड़के मरांगे, और असीं जे मरांगे ते नाल तुहानूं भी लैके मरांगे। मेरे असी लड़ांगे, असी जनता दे विच जाके थोनू दसांगे तुहाडा की बुनियादी मुद्दे सन, की करतूतां तुहाडियां। और बिल्कुल मैं अज मीडिया दे राही कहना, जे कोई व्यक्ति जिहड़ा जेल जांदा, हर व्यक्ति जेल जाने वाला गुनहगार नहीं है। कृपा करके उन्हां चिकर नूं गुनहगार ना समझो जिन्ना चिकर अदालत उहदे खिलाफ उहनूं गुनहगार नहीं साबित कर दिंदी। पुलिस वालिआं दा गुनहगार ते सरकारां दा गुनहगार, मुख्यमंत्री भगवंत मान का गुनहगार कोई गुनहगार नहीं है।